तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? तो मुझे आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मिली जुली किचन में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी पनीर की सब्ज़ी लाई हूँ जो कभी आप लोग नहीं बनाए होंगे, तो बनाकर देख लीजिएगा। मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि इस तरह से बनाकर आप लोग सारे पनीर भूल जाएंगे। तो इसे पहले मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, सब मैं देसी स्टाइल से कर रही हूँ। इसमें टमाटर जो मैंने कट की थी उसका बीच वाला बीज है, लहसुन है, प्याज है, मिर्ची है, धनिया है, सब मैं बिल्कुल देसी स्टाइल से मैं मसाला बना रही हूँ जैसे हम लोग गांव में बनाते हैं। और मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको पनीर बताऊँगी, पर देसी स्टाइल जो है सारे पनीर आप भूल जाइएगा। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैं ली हूँ 1 कटोरी दही, उसमें डाली हूँ थोड़ी सी कम बेसन। तो गाइज, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ, तो ये बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैं मसाला डाली हूँ जो अभी रेडी की थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज है। स्वाद अनुसार नमक डाल ले, उसके बाद इसे मिक्स कर ले। थोड़ी सी इसमें जीरा डाल दें, थोड़ी सी गरम मसाला डाल दें और हल्दी पाउडर डाल दें, मतलब जो भी सारे मसाले होते हैं सब डाल दें और डालकर इसे मिक्स कर लें। अब मिक्स करके इसमें 1 कप ये देखिए ब्लैक पेपर है, ब्लैक मिर्ची है, सारे मसाले इसमें थोड़ा डाल लें। उसके बाद इसमें इसमें पनीर अभी नहीं डालना है, इसमें तेल डालें, सरसों का तेल थोड़ी सी गर्म करके इसमें डाल दें और डाल के इसे मिक्स कर लें। मिक्स करके इसे मैं आप लोग को बताती हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो इसे आप लोग एक बार आजमा कर ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही यम्मी लगेगी। आप लोग एक बार अगर इस तरह से बना के खा लिए सारे पनीर भूल जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करें मेरे तरफ से। तो ये मिक्स मैं मसाला कर ली हूँ, अब डाल दे रही हूँ मैं पनीर। पनीर भी मिक्स करके इसमें मैं डाल दूँगी जो भी मैंने प्याज, सारे शिमला मिर्ची के बीज निकाल दी हूँ, टमाटर का बीज निकाल दी हूँ, प्याज एक प्याज को मैं 8 भाग में कट की हूँ, बड़े बड़े स्लाइस की हूँ, जैसे हम लोग पनीर में डालते हैं पनीर चिली समय उसी टाइप से। और कट करके मैं सारे बीज निकाल दी हूँ टमाटर और शिमला मिर्ची के, और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मिक्स करके इसे क्या करना है मैं आगे ट्रिक बताती हूँ। तो ये मेरा मिक्स हो गया, अब चलते हैं कढ़ाही की ओर। ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये मेथी जो हम लोग कस्तूरी मेथी बोलते हैं वो डाल रही, और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ गैस की ओर। तो इसे क्या करना है आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है। सॉरी गाइस, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुझे थोड़ी खांसी हो गई है, तो इसे थोड़ी सी आवाज़ में डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई जब कढ़ाई गर्म हो तब तेल डालें, नहीं तो चिपकेगी। और इसे ड्राई भी आप लोग खा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। गाइज, इतनी लजीज ये जो सब्ज़ी है, मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सब्ज़ी आप लोग को कैसे लगी। तो देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, पनीर के साइज़ थोड़ी बड़ी रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ये मेरा ड्राई हो गया, भुंज गया है। अब मैं इसे कुछ बर्तन में निकाल लूँगी। अगर इसे आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं, और नहीं तो इसमें आप लोग ग्रेवी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ड्राई हो चुकी है, ऐसे भी आप लोग खा सकते हो, रोटी हो, चावल हो, जिस चीज़ में खा सकते हो। तो अब मैं इसे उतार दूंगी, उतार कर एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं फिर इसमें थोड़ी सी तेल डाल देती हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी जीरा डालना है। और डाल के जो मैं मसाला आप लोग को दिखाई थी एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में,
वो मैं मसाला डाल दी हूँ। और इसमें मैं सूखी मसाला डालूँगी, जैसे हल्दी हो गया, ये सब इसमें मैं नहीं डाली हूँ, तो इसमें मैं हल्दी उल्दी सारा चीज़ डालूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मसाला मैं नहीं डाली हूँ वो मसाला मैं डालूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची पाउडर और ये हल्दी पाउडर, क्योंकि और मसाला तो मैंने आप लोग को दिखाई कि मैंने पीस कर डाली ही मिक्सर जार में, और थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी थोड़ी सी डाली हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालें, क्योंकि नमक उसमें भी डाला हुआ है गाइस, इसके हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग डालिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने मसाला डाली है। तो यहाँ मसाला तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल न निकल आए। अब मसाला भूंज गया है, इसमें डाल दी हूँ मैं पानी, और पानी डाल के ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी सी डालना है, और इसे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अब प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो गाइज मैं आप लोग देखिए, यहाँ पे ये ग्रेवी में उबाल आ चुकी है, तो अब मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे जो मैंने भूंजी थी पनीर वगैरह ये सब, वो मैं डाल दे रही हूँ। गाइज ये जो सब्जी है आपको चिकन मटन फेल कर देगा, एक बार खाइएगा तो आप लोग चिकन और मटन खाना भूल जाइएगा, इतनी ये अच्छी सब्जी बनती है कि क्या मैं बताऊँ। ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ी सी गरम मसाला और इसे मैं चला दूँगी। तो गाइज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ और डाल रही हूँ बारीक कट करके धनिया पत्ता, क्योंकि मैं इसमें कोई ऐसा मसाला बाहर का नहीं डाली हूँ, पर इसका टेस्ट बाहर से फेल हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इसे सब्जी के साथ रोटी चावल किसी चीज़ में आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, मुझे हेल्प चाहिए, आप लोग सपोर्ट करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये सब्ज़ी कैसी लगी और आप लोग कैसे बनाते हो और कहाँ से वीडियो देखते हो, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।